गरीब का मिनी रेस। नांदेड़ नाम के गांव में गुरु चरण मित्रा नाम के तीन दोस्त रहते थे। वो तीन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनकी क्लास में प्यून आकर, मैडम गुरु चरण और मित्रा इन तीनों को प्रिंसिपल जी ने बुलाया है। रे गुरु चंद्रन मित्रा स्टैंड अप, तुम्हें प्रिंसिपल जी बुला रहे हैं। वैसे तुमने कौन सी शरारत की जो तुम्हें बुला रहे हैं? मैडम इन्होंने स्कूल फीस नहीं भरा है इसीलिए बुला रहे हैं। ठीक है रे जाकर आओ। कहते ही वो प्रिंसिपल के पास गए। क्यों रे इस महीने तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक फीस नहीं भरे? फोन करके पूछने के लिए उनके पास फोन भी नहीं रहते। फोन रखकर भी गुरु के पिता फोन नहीं उठाते। ठीक है तुम लोग जाकर अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। तुम फीस भरे तो ही मैं तुम्हें स्कूल आने दूंगा, नहीं तो नहीं। जाकर उनसे कह दो बहुत हो चुका है। कहकर स्कूल से उन्हें भिजा दिया। अरे मित्रा तुम्हारे पिता क्या करते हैं? आमतौर पर आप लोग समय पर फीस भरते हैं ना? मेरे पिताजी वॉचमैन है रे, आए पैसे घर पर ही काफी नहीं होते। ऊपर से मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना हो तो पैसे ज्यादा लगेंगे ना, इसलिए मेरी स्कूल बंद कराने की सोच रहे हैं। रे चंद्रन तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं। वो शाम तक रिक्शा चलाकर सारे कमाए पैसे शराब पर उड़ा देते हैं। मेरी माँ पैसे पूछे तो उन्हें मारता पीटते भी हैं। मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा है रे, इसीलिए मैं भी स्कूल छोड़ने की सोच रहा हूँ। हाँ रे गुरु तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तुम भी समय पर फीस भर देते थे ना? मेरे पिता मिस्त्री का काम करते हैं। अगर वो काम पर जाते तो हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। तो काम पर क्यों नहीं जा रहे? हाल ही में एक बिल्डिंग पर काम करते वक्त उनका पैर फिसल कर वो नीचे गिर गए। उस वजह से उनका पैर टूट गया। अस्पताल का खर्च बहुत हुआ और सारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए मैं फीस नहीं भर पा रहा हूँ। तो फिर तुम भी स्कूल छोड़ दोगे क्या? अरे स्कूल कैसे छोड़ेंगे रे, अगर पढ़ाई ना हो तो हमें भी अपने पिता के जैसे मजदूरी का काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहते हो तो हमें मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। फिर प्रिंसिपल फीस भरने के बाद ही हमें स्कूल के अंदर आने देंगे कह रहे थे ना, तो फिर क्या करेंगे? रे हमारे स्कूल के स्टेडियम में बाइक रेसिंग हो रहा है रे, वहाँ जाकर हम बाइक रेस में भाग लेंगे। अगर उसमें हम जीत गए तो हमें 1,00,000 रुपए प्राइज मनी मिलेगा, उससे हम तीनों की परेशानी दूर हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा रे, मगर उस रेस में भाग लेने के लिए हमारे पास मिनी बाइक होना चाहिए ना, वो कैसे लाएंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है, चलो मिनी बाइक्स बेचने वाले दुकान पर जाएंगे। कहकर मिनी बाइक बेचने वाले शॉप के पास जाकर, भैया आपको पता है ना हमारे स्टेडियम में मिनी बाइक रेस है, कहकर आपके शॉप में से कितने बाइक्स उसमें भाग ले रहे? नहीं भाई हमारा नया शॉप है ना, इसीलिए कोई भी हमारे पास बाइक नहीं खरीदा, रेस में हमारा एक भी बाइक नहीं है। ठीक है एक काम करिए भैया, हम तीनों को आप 3 मिनी बाइक दोगे तो हम उस रेस में भाग लेंगे। अगर हम उस रेस में जीत गए तब तुम्हारे शॉप का नाम चारों ओर गूंजने लगेगा, तब सब भी आपकी दुकान से ही बाइक खरीदेंगे ना भैया। ठीक है ये 3 बाइक ले लो, अगर ये थोड़ा सा भी टूटा या खराब हुआ तो पूरे पैसे तुम्हारे नाक पकड़ कर वसूल करूंगा, सोच लो। नो प्रॉब्लम मूर्ति भाई, आप हम पर भरोसा रखिए, हम ही जीतेंगे देख लो। कहकर वो 3 मिनी बाइक्स के साथ स्टेडियम के पास आए। वहाँ ऑर्गेनाइजर से चरण, सर हम भी इस मिनी बाइक रेस में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है पार्टिसिपेट करो, कहकर उन्हें लेकर गए। वहाँ बहुत सारे बाइक्स थे, उन्हें देखकर मित्रा, रे गुरु चंद्रन देखो रे यहाँ इतने सारे बाइक्स है, हम जीत पाएंगे क्या? हमें जीतना ही पड़ेगा मित्रा, अगर हम नहीं जीते तो हम स्कूल नहीं जा सकते, याद रखना, बस जरूर जीतेंगे। 3 दोस्त बाकी के लोगों से प्रतियोगिता में भाग लिए, रेस शुरू हुआ। वो मिनी बाइक्स रई रई कहकर जा रहे थे, मगर गुरु चरण और मित्रा सारे बाइक्स को हरा कर विनिंग लाइन को तीनों एक ही साथ पार किए। उसे देखकर ऑर्गेनाइजर्स, बाप रे ये क्या है भाई, ऐसे रेस मैंने कभी नहीं देखा, विनिंग लाइन को तीनों एक साथ पार किए, अब इन तीनों में से विजेता कौन है, ये निर्णय कैसे ले, फिर से इन तीनों में रेस लगाना होगा। जरूरत नहीं है सर, उस प्राइज मनी को आप हम तीनों में बराबर बांट दीजिए, नो प्रॉब्लम। आइडिया अच्छा है, इस प्रतियोगिता के विनर्स आप तीनों को गुरु चरण मित्रा को ये 1,00,000 रुपए बराबर बांट रहे हैं, जीतने के मौके पर आप लोग बात करिए।
इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे जीते हुए इस प्राइज मनी से हम अपना स्कूल फीस भरेंगे, मगर हमारी इस रेस की जीत का मुख्य कारण हमें मिनी बाइक्स देने वाले मूर्ति भैया का है। अगर वो हमें बाइक्स नहीं देते तो हम इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले सकते थे और जीत भी नहीं सकते थे। उनकी वजह से ही हम सब निश्चित होकर पढ़ सकते हैं। कहते ही सब लोग तालियां मारने लगे। उनकी परिस्थिति को देखकर मूर्ति, हे भाई, आप तीन मेरे शॉप के ब्रांड एम्बेसडर हो, आपसे तुम्हारी पढ़ाई के सारे खर्चे मैं भरूंगा। कहते ही वो लोग बहुत खुश हुए। वो पैसे लेकर स्कूल में फीस भरने आए। माफ करो बच्चों, तुम छोटे हो ये जानकर भी मैं तुम्हें फीस भरने के लिए बहुत मजबूर किया। आप लोग इतना साहस करोगे मैंने ये सोचा ही नहीं था। आपका किया काम पूरे गांव में गूंज रहा है। मुझे माफ करो, अब से आपको हमारे स्कूल में पढ़ाई फ्री। वो बहुत खुश हुए। तब से वो लोग स्कूल में फ्री में पढ़ने लगे। थ्री जायंट मैजिकल एग्स चोर। गुजरात में ढोलकिया नाम का एक सोने का व्यापारी हुआ करता था और ने बहुत पैसे कमाए। एक दिन अपने साला मुन्ना को बुलाकर, रे मुन्ना, हमारे कंपनी के 50वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे पास काम करने वाले सारे वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ रे। इस बार हमें त्योहार ऐसे मनाना है कि उसे देखकर लोग दंग रहना होगा और उसके साथ साथ हमारे पास काम करने वाले भी खुशी से पागल होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है तो बोलो। जीजा जी, आप वार्षिकोत्सव मना रहे हैं ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं। हमारे पास बहुत पैसे जो है, इसलिए अपने एहतियात के हिसाब से बहुत बड़ा त्योहार मनाएंगे ना। काफी है ना, उन वर्कर्स के लिए पैसे क्यों खर्च करना। उन्हें कुछ करने की जरूरत क्या है, हम उन्हें पगार दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं बस। बहुत गलत बात है मुन्ना, तुम उन्हें काम वाले की तरह देख रहे हो, मगर मैं उन्हें अपने परिवार की तरह देख रहा हूँ। उनके वजह से ही हम इतने कामयाब हुए हैं। हमारे कामयाबी में उनकी मेहनत भी बहुत है। अगर वो सब नहीं होते तो हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए मैं इस बार उन्हें थोड़ा सोना, पैसे और हीरे देने की सोच रहा हूँ। अगर हम वो सब सिर्फ अपने हाथों से दिए तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े लोग ऐसे लेने के लिए शर्माएंगे, इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। तीन बड़े बड़े अंडे तैयार करवाओ। मैं एक अंडे में सोना, एक अंडे में हीरे और एक अंडे में पैसे लगाऊंगा। लोग ऐसे लेने के लिए शर्माएंगे, इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। तीन बड़े बड़े अंडे तैयार करवाओ। मैं एक अंडे में सोना, एक अंडे में हीरे और एक अंडे में पैसे लगाऊंगा। वर्कर से तरह तरह के खेल खिलवाकर उन्हें पैसे, सोने, हीरे आए जैसे करूंगा। जीजा जी, आप सटिया गए हो, ठीक है आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए। मैं जाकर आपके लिए तीन बड़े बड़े जाइंट एग्स तैयार करवा कर आऊंगा, कहकर बाहर गया। बाहर आकर मुन्ना अपने मन में, जीजा जी की पागलपंती की तो हद ही नहीं है, नहीं तो इतने सारे पैसों को वो वर्कर्स पर कौन बर्बाद करेगा। ये सब वर्कर्स को मिलने से पहले ही मैं उन्हें चुरा लूंगा, इसके लिए चोरों की मदद लेनी पड़ेगी। सोचकर बड़े बड़े अंडों को तैयार करवा कर अपने जीजा जी ढोलकिया के पास लेकर आया। उन्हें देखकर ढोलकिया, अरे मुन्ना ये तो मस्त है रे, मुझे हमेशा ये शक रहता था कि तुम ठीक से काम कर पाओगे कि नहीं, मगर इस बार तुमने बहुत अच्छे से काम किया है रे। गुड, वो देखो उन पैसों की टोकरी, सोने के टोकरी और हीरे के टोकरी को उन अंडों में भरो। कहते ही मुन्ना उन अंडों में सब भर दिया। वो देखकर ढोलकिया, ठीक है रे मुन्ना, इन अंडों को यही संभल कर रखना, कल सुबह वर्कर्स को बांटेंगे, कहकर वो घर चला गया। उसके जाते ही मुन्ना घर के बाहर जाकर तीन चोरों को अंदर बुलाकर लाया। रे तुम चुपचाप उन जायंट एग्स के अंदर जाओ और उनमें से सोना, हीरे और पैसों को चुरा कर लाओ। वो तीन चोर अंडों के अंदर कूदे। ये सब सीसीटीवी में देखकर ढोलकिया अचानक से बाहर आया। उसे देखकर मुन्ना दंग रह गया और चोर जहाँ के वहाँ सतर्क हो गए। क्यों रे, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ जीजा जी, काम खत्म हो गया, मगर यहाँ इतनी सारी संपत्ति को देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं इसकी पहरेदारी कर रहा हूँ। सच्चे रे मुन्ना, अपनी संपत्ति को जायंट एग्स में भरकर तुम्हारे अकेले को पहरेदारी के लिए रखना बहुत गलत बात है। चलो हम दोनों मिलकर इसकी पहरेदारी करेंगे। मुन्ना मन में, वाह ये क्या, ये बूढ़ा कोसट भी मेरे साथ बैठने को कह रहा है। अगर ये यहीं रहा तो वो चोर कैसे बाहर आएंगे, पैसे बाहर कैसे लाएंगे। अब इन पैसों को चुराना बहुत मुश्किल लग रहा है। सोचकर मुन्ना, जीजा जी आपको इस उम्र में इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। जीजा जी आप जाकर सो जाइए, मैं इसकी पहरेदारी करूंगा।
ऐसे कुछ नहीं है रे बेचारे, तुम सुबह से इन अंडों को बनाकर यहाँ लाकर बहुत थक गए होगे। तुम घर जाकर आराम करो, मैं इसकी पहरेदारी करूँगा। मुन्ना कुछ नहीं कर सका और बाहर आकर चोर को फोन किया। बहुत थक गए होगे, तुम घर जाकर आराम करो, मैं इसकी पहरेदारी करूँगा। मुन्ना कुछ नहीं कर सका और बाहर आकर चोर को फोन किया। अंडे के अंदर चोर फोन उठाया। रे संभल के, मेरे जीजा जी बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, तुम कुछ गड़बड़ करे बिना अंदर ही रहो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें बाहर निकालूंगा, तब तक तुम चुपचाप अंदर ही बैठ जाओ। बेचारे वो चोर रात भर उस अंडे में ही फंस कर रह गए। मुन्ना जीजा जी कब सोएंगे ये इंतजार करने लगा, फिर भी ढोलकिया नहीं सोया और चोर उन अंडों के अंदर ही रह गए। सुबह होते ही ढोलकिया, मुन्ना मैंने अपने वर्कर्स को घर के पास आने के लिए कहा है, सब आ रहे हैं और मैंने अपने प्लान को थोड़ा बदला है, हम उन तीन जाइंट एग्स के नीचे आग लगाएंगे, तब वो उबलेंगे और उबल उबल कर फट जाएंगे ना, तब उनमें से आए पैसे हीरे और सोने को वर्कर्स ले जाएंगे, कैसा है मेरा प्लान? जीजा जी आग वो क्यों जीजा जी? मैं जो भी कहता हूँ उसे चुटकी में करना चाहिए, अगर तुमसे ना होगा तो बोलो, वो काम मैं खुद करूँगा। कहकर उन अंडों के नीचे आग लगवाया। आग लगते ही अंडे गर्म होने लगे और उनके अंदर छिपे चोरों को गर्मी लगने लगी, उसे वो झेल नहीं पाए। और तुरंत अंडों के बाहर आ गए। वो देखकर सारे वर्कर्स आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें देखकर ढोलकिया, कौन हो रहे तुम, इन अंडों के अंदर कैसे आए हो? साहब वो हम चोर है साहब, आपके साले ने हमें सोने हीरे पैसे सब चोरी करने के लिए कहा, मगर आपने इन्हें अपने वर्कर्स के लिए रखा है, ये पता चल के आपके महानता के बारे में जानकर हम कुछ नहीं कर सके और यही रह गए, ये सब मुन्ना जी का ही काम है जी। कहकर अपने गलती को मान लिए। ढोलकिया मुन्ना को पुलिस के हवाले किया और उन पैसों को अपने वर्कर्स में बांट दिया और वो सब बहुत खुश हुए।